नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज़ 90 का सवाल है इट सेज़ टू फोर्सेस रीच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ़ हैव अ रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस विल बी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में बड़ा ही सिंपल सवाल है uh, क्या आपके दो फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड वन uh, मैग्नीट्यूड एफ़ है और उनका रिजल्टेंट की का मैग्नीट्यूड भी एफ है तो बताएं उनके बीच एंगल क्या होएगा? सो so, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉ वे थीटा विल भी एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स तो अपना एक वैक्टर है एफ सो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉसिटा सो ये एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस एफ़ को हम इधर ला सकते हैं एफ स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा विच एम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री सो आपके थीटा की वैल्यू इस केस में हो जाएगी एक सौ बीस या वन ट्वेंटी डिग्री सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर